नमस्कार दोस्तों, प्रध्या की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं सिरके वाली प्याज बनाने जा रही हूँ, जो कि रेस्टोरेंट में आप जाते हैं आपको सबसे पहले सिरके वाली प्याज मिलती होगी और इसे सब लोग खाना पसंद करते हैं। तो देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। ये मैंने प्याज को छोटी छोटी प्याज ले लिया है, एकदम छोटी वाली प्याज ले लिया और इसको धुल के छिल के धुल को मैंने इसका पानी सुखवा लिया और इसको अब हम इस तरह से कट करेंगे। ये देखिए इस तरह से कट करेंगे। ये देखिए इसको एक हम प्लेट में अलग करेंगे। इसी तरह से हम सारी प्याज को कट कर लेंगे। ये देखिए, ये देखिए हमने प्याज को कट कर लिया है ये सारी प्याज। अब हम लेंगे एक चुकंदर। ये चुकंदर जो है, एक चुकंदर लेंगे और इसको भी हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। इसमें ना ज़्यादा आइटम लगता है और ना ही ज़्यादा टाइम लगता है। इसको भी हम छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से कट कर लेंगे, एकदम छोटे छोटे पीस में। ये देखिए, इस तरह से हम इसको बारीक बारीक काट लेंगे। ये मैंने ले लिया है एक चुकंदर और इसको अब हम छोटे छोटे पीस में काट लेंगे, एकदम छोटा छोटा पीस इस तरह से। ये देखिए जैसे मैं काट रही हूँ, इस तरह से हम एकदम छोटा छोटा बारीक बारीक काट लेंगे। हमारा चुकंदर कट के रेडी है एकदम, और प्याज भी। अब हम लेंगे एक बाउल, ये हमारा कांच का है, मैं इसी में इसको स्टोर भी करूँगी। ये इसमें हमने डाल दिया 1-2-3 चम्मच चीनी डाल दिया है, 3 चम्मच चीनी डाला है। और मैंने इसमें ले लिया है 1 कप से थोड़ा कम है और आधे कप से ज़्यादा है, ये है विनेगर हमारा जो हम लोग यूज़ करते हैं। ये हमारा हो गया विनेगर, वाइट विनेगर जो है। इसमें हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे पानी। आप साफ पानी लीजिएगा, विनेगर में इसको अच्छे से घोल देंगे और हम इसमें डाल देंगे साफ पानी। और हम इसमें इसे चुकंदर भी चीनी अच्छे से पिघला दीजिए, तो बाद में भी पिघल जाए क्योंकि इसे हमें स्टोर करके रखना है। हम इसे रख के 1-1.5 महीने तक भी खा सकते हैं, एक बार बनाइए। ये देखिए मैंने चीनी जो डाला था वो घुल गया है और मैंने 1 लीटर पानी लिया था, मैंने इसमें से 0.5 लीटर तक पानी डाल दिया है। और अब हम इसमें ये लेंगे एक जो कटा हुआ चुकंदर है उसको लेंगे, इसको भी इसी में डाल देंगे, फिर इसको मिक्स करेंगे। इसके बाद हमने जो ये छोटी छोटी प्याज रखी है इसको हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए प्याज को हम डाल देंगे इसी में। ये हमारी सिरके वाली प्याज बनके तैयार है और हम इसे 1 महीने तक रखकर खा सकते हैं। तो कुछ 2-3 मिनट इसको बनाने में लगते हैं। दोस्तों अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे। नमक को हम जो है 1 चम्मच नमक हम इसमें मिला लेते हैं और इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। नमक हम पहले भी डाल सकते हैं, बाद में डाल सकते हैं, पानी है, सिरके का पानी ही है तो इसमें मिलाने में दिक्कत नहीं होती है, इसलिए हम नमक चाहे पहले डालें या बाद में डालें नमक तो मिल ही जाएगा। तो इस तरह से हम इसे मिला लेंगे। ये देखिए हमारा सिरके वाली प्याज एकदम बनके तैयार है खाने के लिए और हम इसे फ्रिज में 3 घंटे, इसको हम 3 घंटे रखने के बाद खा सकते हैं। ये देखिए, और हम ये देखिए मेरा सिरके वाला प्याज एकदम बन के तैयार है और इसको हम स्टोर करेंगे कांच के ही कंटेनर में। ये मेरा कांच का कंटेनर है, ये मेरा कांच का बाउल है, मैं इसे इसी में स्टोर करूँगी। तो आप लोग इसे कांच के ही कंटेनर में स्टोर करें और इसको 1 महीने तक आप रख के खा सकते हैं। और हमें ये जो पानी है, अगर हमारी प्याज ख़त्म हो जाती है इस पानी को हमें फेंकना नहीं है, फिर से हम इसे इसमें प्याज को कट करके डाल देंगे और इस पानी को हम 2-3 बार यूज कर सकते हैं।
ये हमारी जो प्याज है इसको हम फ्रिज में स्टोर करेंगे, बाहर भी रख सकते हैं लेकिन गर्मी का मौसम है हम इसे फ्रिज में ही स्टोर करेंगे। तो आप लोगों को मेरी ये सिरके वाली प्याज कैसी लगी? अच्छी लगी है तो देखिए इसमें जो है इसके अंदर अंदर ये प्याज जो है ये हमारा विनेगर का पानी है ये घुस जाएगा। तो आप लोगों को मेरी ये सिरके वाली प्याज कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और प्रध्या की रसोई को सब्सक्राइब करिए। क्लिक किए हैं तो पूरा वीडियो वॉच करिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।